फ्रॉम लास्ट 10-15 डेज से ना ये रोड बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। दिस रोड कम्स अंडर R&B, तो R&B का ये रोड पूरा आता है, उनके अंडर ये रोड आता है। तो फ्रॉम 10-15 डेज से उन लोगों ने कोई भी स्टेप इस रोड को फिर से डेवलप करने की कोशिश बिल्कुल तक भी नहीं की। और ये देखो, ये जो पूरा रोड है ना, इस रोड पे ये मेन रोड जाता है पटन से लेकर गुलमर्ग तक, और यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होता ही होता है। और प्लस यहाँ पे इस रोड की अगर हम बात करें, देयर आर अराउंड 50 विलेजेस जो इस रोड पे डिपेंड कर लेते हैं। अब मेरे को एक चीज़ मुझे बता दो कि रात को कोई बंदा यहाँ से आ जाएगा, कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि रात को तो ये सब दिखता भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर किसी बंदे की डेथ हुई या कुछ हुआ तो हु विल बी देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इन केस अल्लाह न करे अगर किसी बंदे के साथ भी कोई यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी गलत, तो R&B विल बी देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ मेंटेन करने की, बट उन लोगों ने ये चीज़ मेंटेन नहीं की है। तो काइंडली जो भी कोई डिपार्टमेंट का बंदा मुझे देख रहा है राइट नाउ, थिंक अबाउट दिस रोड, ये वारपुरा में पड़ता है ये रोड, यहाँ पे बीच बीच ये देखो क्या हुआ है रोड का हाल।